सो गाइज बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिनके कारण एमएससी सीटी एग्जाम बहुत अच्छे अच्छे बच्चों का बहुत अच्छा नहीं जाता, और ऐसे बच्चे फिर टूट जाते हैं, उनके दिमाग में चलता रहता है यार मेरा जो ड्रीम था वो मुझे नहीं मिल पाएगा, मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा, ऐसे बहुत सारे बच्चे बहुत डरते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि सीईटी में कम आने के बाद, 12th में कम आने का, तो वो बच्चा आगे जाके अच्छा नहीं कर सकता। हो सकता है कुछ रीजन था जिस रीजन के कारण उसका अच्छा नहीं स्कोर हुआ, बट ऐसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं उनके दिमाग में चलता है कि बस बस मुझे कॉलेज मिल जाए, कॉलेज मिल जाए ना, तो ये 4 साल के अंदर जो गलतियां मैंने पहले की उसको मैं कवर करके अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को इतना चेंज करूंगा, इतना डेवलप करूंगा कि मुझे आगे किसी कोई रोक नहीं पाएगा। तो भाई यहाँ अब बहुत सारे बच्चे मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरा बहुत बेकार गया है तो मुझे क्या कॉलेज नहीं मिलेगा। देखो गाइस एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एमएससी सीईटी के थ्रू एडमिशन आपका कितना भी परसेंटाइल होगा सभी को एडमिशन मिलता है। ओके एडमिशन मिलता है, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इतना चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। बट हर कॉलेज का अपना कट ऑफ होता है। आप अगर आप चाहोगे कम परसेंटाइल निकाल के आपको बहुत टॉप 10 वाला कॉलेज मिलेगा तो ये सच बोल रहा हूँ कि आप झूठ सोच रहे हो, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। बट अगर आपके ड्रीम में ये चल रहा है कि नहीं सर मुझे एक बार डिग्री मिल जाए वो 4 साल में, सिंपल सी बात है सर ज़्यादातर कॉलेज में, क्योंकि मैंने 12th में बहुत अच्छे जगह से कॉलेज किया था, पर बहुत अच्छे जगह पे करने के बाद वहाँ पढ़ाई ना के बराबर, जहाँ बोलते थे नॉर्मल कॉलेज उसके जैसा ही पढ़ाई हो रहा था, तो एट द लास्ट पढ़ना मुझे ही था सर, मुझे ही पढ़ना था। सेम गाइज जो आप ये सोच रहे हो यही सेम थिंकिंग ग्रेजुएशन में, कुछ ही कॉलेजेस को छोड़ के हर जगह का हाल यही है कि आपको खुद की स्टडी खुद से ही करना है, खुद को चेंज करना है, खुद को डेवलप करना है, बहुत सारे चीज़ें स्किल्स को खुद से ही डेवलप करना है। तो भाई आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ, हाँ टॉप कॉलेज में जाने का फायदा ये होता है कि वहाँ प्लेसमेंट्स बहुत अच्छा होता है, पर प्लेसमेंट आप एक ही बार, कोई भी कॉलेज प्लेसमेंट आपको एक ही बार दिला सकता है, उसके बाद जो जो बार 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 आपका जो प्रमोशन होगा ना वो आपके नॉलेज और स्किल्स पे होगा, समझ में आया। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एडमिशन नॉर्मल कॉलेज में लेते हैं बट वो अपने आप को इतना चेंज करते हैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में, वो इतना अच्छा करते हैं इसके बाद, क्योंकि उनके पास नॉलेज होता है, इसके बाद गाइज उनका प्लेसमेंट भी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू होता है, और बाद में क्योंकि उनके पास नॉलेज है तो कंपनियां उनके पीछे दौड़ती है, गाइज पीछे दौड़ती है, कंपनियां ये नहीं देखती कि भाई तू इसी कॉलेज में पढ़ा था तेरे को मैं लेके जाऊंगा, ऐसा नहीं। वो बस पहली बार होता है, दूसरी तीसरी बार ऐसा नहीं होता, दूसरी तीसरी बार होती है कि भाई आपको आता है कि आप मेरे कंपनी के लिए क्या कर सकते हो, क्या चेंज बाकी लोगों कंपैरिजन में कर सकते हो, ये चीज़ें मांग करती है। इसीलिए बोल रहा हूँ ये दिमाग में से अगर जो हो चुका है उसको सोच के कोई मतलब नहीं है, अब ये सोचना स्टार्ट करो कि आपको इसके लिए क्या क्या करना है, अब क्या आपने बदलाव करना है, क्या करना है आपको, अभी कौन से चीज़ों पर अपने स्किल्स पे किस पे काम करना है जो आपने अभी तक नहीं किया है। आपको एडमिशन मिलेगा, हाँ कुछ चीज़ों की फिर से बता रहा हूँ, कुछ चीज़ों का यहाँ कुछ ज्ञानी बाबा आ जाएंगे, अरे भाई जो आपने पढ़ा ही नहीं है किया ही नहीं है तो ही आपको ऐसा कॉलेज मिल रहा है ना, तो ज्ञान देने का मतलब क्या, मैंने आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ, मोटिवेशन दे रहा हूँ कि आप कर सकते हो, अभी भी ऑप्शन है आपके पास। आप कॉलेज में, सिंपल सी बात है, वहाँ फैकल्टी अच्छी नहीं होगी, वहाँ प्लेसमेंट नहीं होगा, वहाँ खुद की पढ़ाई खुद से ही करनी पड़ेगी, ये चीज़ होगी, तो कुछ तो आपने किया, कुछ तो उसको चेंज करना पड़ेगा, और आप तब तक मैच्योर हो चुके रहते, मैच्योरिटी आ चुकी रही, आप बोलोगे सर खुद से पढ़ाई सर कौन करता है, भाई बहुत आप तो ऑप्शन भी है, इंजीनियरिंग में फार्मेसी में जाने वाले बच्चों को हम खुद पढ़ाने वाले, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी चीज़ें चल भी रही है, प्रदीप गिरी अकेडमी या चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पढ़ा रहे, तो भाई ये ऑप्शन तो बिल्कुल हट गया कि पढ़ाई टीचर अच्छे नहीं, यहाँ पढ़ाया जा रहा, पढ़ो देखो बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं आराम से फ्री में पढ़ रहे, तो भाई वहाँ से भी आपका ड्रीम पूरा हो सकता है। 4 साल अपने आप को चेंज करो, बदलाव लाओ, देखो वो चीज़ें करके दिखाओगे जो किसी ने आपके बारे में सोची ना होगी, तो भाई परसेंटाइल पे भी कॉलेज मिलेगा। आपका फोकस करो अपने अंदर बदलाव लाने का कि मेरे अंदर क्या, उसको सर्च करो जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है कि क्या गड़बड़ है, क्या करना चाहिए, मुझे अपने अंदर क्या स्किल्स नहीं है, मुझे मेरे मेरे कुछ मेरी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, मेरे स्किल्स को डेवलप करना है, मुझे क्या करना है, उसके बारे में फटाफट फटाफट सोच के उसके बारे में काम करना स्टार्ट करो, और सभी को एडमिशन होगा, मैं हूँ लास्ट तक आपके साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।